नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम डेरा सच्चा सौदा में जो फ्री मेगा आई कैंप लगाया जा रहा है उसका सर्वे करने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर जो मेडिकल स्टाफ के मेंबर सर्विस दे रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी यहां आम जनता को मिलती है, क्या बेनिफिट रहता है। आपको सीधी बातचीत करवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनजीत कौर जी। मनजीत जी, मेडिकल स्टाफ से आप लोग यहाँ पर सर्विस दे रहे हो जी? कितने लोगों में मेडिकल स्टाफ वाले यहाँ पर फीमेल वार्ड में? फीमेल वार्ड में ऐसा है, हमारी ड्यूटी है लैब में। वैसे हम जीएनएम भी कर रखे हैं, स्टार्टिंग स्टूडेंट है जीएनएम के। हमारी ड्यूटी है लैब में। लैब में चार जने हैं हम, तो उसमें हम जो पेशेंट आता है उसको असी टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं, उसको असी फिर आगे दे आगे पास करते हैं उनको। तो उनको जो भी रिपोर्ट आती है उसको मेंशन करके, जो डॉक्टर वैसे बोलते हैं उसको ठीक लगता है तो ऑपरेट करते हैं। जिनका शुगर हाई लेवल पे है तो उनको फिर टैबलेट वगैरह देते हैं, तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं भी इनका ऑपरेट करना है या नहीं करना है। मैम, ये जो कैंप लगाया जा रहा है ये किन लोगों के लिए लगाया जा रहा है? ये लोगों के उस लिए लोग है जो बिल्कुल ही लाचार लोग हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, फाइनेंशियल तौर में है ना, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए है। क्या मैम कोई टोटली फ्री रहता है या कुछ पब्लिक से लिया जाता है? नहीं, टोटली फ्री है जी, पब्लिक से कुछ नहीं लिया जाता। किस सोच से मैम ये लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब क्या सोच रहती है इसके लिए करने की, कैसे आपको क्या लगता है? किन की सोच बोल रहे हो आप? मतलब इस कैंप की सोच कैसे आई? इस कैंप की सोच ये है, जो हमारे शास्त्र नाम गुरु जी थे उनका इसमें मतलब क्या 14 है 13 को उनको मतलब कि बोल नहीं सकते हम जी, मतलब कह नहीं सकते, यानी कि हर साल लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है, उनकी याद में लगाया जाता है। ये 3 दिन होते हैं ना, 13, 12, 13 को मतलब कि वो स्वर्गवास हुए सीगे, ते 3 दिन उन्हें इसे रखा था। कल जो 15 है 15 को उनको देश संस्कार किया गया था जी। मैम क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या इससे आम जनता को फ़ायदा मिलता है? जी जरूर मिलता है, जरूर मिलता है आम जनता को फ़ायदा। जब आप इतने पेशेंट हैं, इनमें से कभी कहीं कोई पूछ लो आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्यों जो हम बाहर सिविल से करवाते हैं हम हॉस्पिटल, कम से कम 10,000 तो खर्चा आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 उनका बचता है तो फ़ायदा तो है ही है ना उनका। 4 सालों से सन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? प्रभाव तो मैम पड़ेगा ही, जब वो नशे ज़्यादा हो गए हमारे समाज में, तो वैश्यवृत्ति वो ज़्यादा हो गई है जी। जब गुरु जी जहाँ होते तो ऐसा ना ही होता। जरूरत है मैम समाज को? बिल्कुल जरूरत है जी। क्यों जरूरत है मैम, उनका और क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए? समाज के लिए कंट्रीब्यूट ये है भी, जो हम जिनको जे नहीं पता बी एस से जाके नशे छुड़ाए जाते हैं, जे काम किए जाते हैं, वो 133 कार्यकर्ते हैं जो वो किए जाते हैं, उनके शामिल होने का जब गुरुजी होंगे तब वैसे ही लोग आएंगे। क्या मैम एक तरफ जैसे उनके कार्य हैं ऐसे समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है? नो, एलिगेशन सब गलत है। हम नहीं मानते ऐसे एलिगेशन को, हमारे गुरुजी सही थे, सही हैं और सही ही रहेंगे। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो सेफ्टी को लेकर डेरा सच्चा सौदा में आप? सेफ्टी है हमारे, हम आते हैं सेवा करते हैं और रहते हैं, और इधर हम अरेंजमेंट भी किया है मेडिकल स्टाफ वालों का, अच्छे है, सब सेफ्टी है, अच्छी कोई बात नहीं है। मैम जो टीवी में मीडिया में दिखाया जा रहा था, ऐसी तमाम हेडलाइंस दिखाई गई थी, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? टीवी मीडिया से जे दिखाया जाता है, जो कोई भी खबर होती है अफवाह होती है मीडिया में वो फैला दी जाती है, कभी मतलब कि किसी भी लड़की का ला लो, किसी भी कुछ ला लो, यहाँ पे कत्ल हुआ, ठीक है ना, पर जब उन्होंने कत्ल तो दिखा दिया मीडिया वालों ने, जबकि वो कत्ल का रिजल्ट देते हैं भी हाँ इसने कत्ल किया था, नहीं देते ना। नेगेटिव पॉइंट मीडिया दिखाती है पर पॉजिटिव पॉइंट मीडिया नहीं दिखाती। क्या अपील करना चाहोगे आप समाज को, क्योंकि जो भी सोसाइटी के लोगों ने, आम पब्लिक ने जो भी देखा है वो मीडिया के द्वारा ही देखा है,
आप क्या बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा? मीडिया द्वारा लोग वैसे जित तक मेरा मेरी सोच है वो मीडिया तक भी सबको पता है भी मीडिया अफवाहें डालता है, मीडिया बिकी हुई है। क्या सरकार से क्या मांग करोगे गुरुजी के लिए? सरकार को हम मांग यही करते हैं कि गुरुजी हमारे बीच हो, दे रूप से हमारे बीच खड़े हैं, और जो नशे जो भी गलत काम हो रहे हैं वो सही हो। पर हमें इतना पता है जब गुरुजी हमारे बीच होंगे ना तो अपने आप ही सब कुछ सही होगा। क्या बदलाव आएंगे सोसाइटी में जब गुरुजी आएंगे? बदलाव अच्छे ही आएंगे। अब क्या लगता है आपको, ये सजा किसको मिली है, संत जी को या पूरे समाज को? मुझे ये लगता है संत जी तो जैसे काम उन्होंने करने थे वो तो हो ही रहे हैं दरबार में, पर सजा तो उन लोगों को मिल रही है ना जो अनजान है इस चीज़ से, उनको बस सजा मिल रही है ज़्यादा। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, जो वहाँ पर एक्चुअली में समाज भलाई के कार्य किए जाते हैं, उसकी भी तस्वीरें, उनकी भी बातें इन्होंने बताई जिस तरीके से कैंप वहाँ पर लगाया जाता है। इनका मानना है कि झूठे एलिगेशंस हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनकी आज सोसाइटी को सख्त ज़रूरत है जिस तरीके के उनके कार्य समाज के लिए हैं, और समाज को उन कार्यों की गति के लिए उनका समाज में वापस आना जरूरी है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, वो चंद सूत्र जाइए लोग जो लगातार आपके सामने आकर बता रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई।